हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट यूजी की और पीजी की, उनके अंदर एक क्वेश्चन जेन्युइन सा बनता है कि अब कब जल्दी से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और क्या 1 अगस्त को हमारा एप्लीकेशन एग्ज़ाम हो जाएगा ऑनलाइन की, और क्या फर्दर डिले हो सकता है, क्या और पोस्टपोनमेंट हो सकता है इसके अंदर कि नहीं। इस चीज़ को आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कुछ मिनटों के अंदर अगले, कि क्या है लेटेस्ट अपडेट अभी आपके एग्ज़ाम के लिए और कैसा यहाँ से आगे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि क्या होने की संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, स्वाभाविक सी बात है, हम भी जब प्रिपरेशन करते थे और हर साल काफ़ी बच्चों को देखते हैं प्रिपरेशन करते हुए, तो सभी बैच के सामने, सभी स्टूडेंट के सामने अलग अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं और प्रिपरेशन करने के टाइम हम एक तरह से सिक्योर होना चाहते हैं कि आगे चल के कोई इश्यूज तो नहीं आएंगे, प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे। हमने इस साल जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 का, और लास्ट बैच भी था जो था हमारा 2020 का, उसमें भी बच्चों के सामने पहली बार ये कोविड की ऐसी कंडीशन आई कि पैंडेमिक आया पूरे वर्ल्ड के अंदर और एग्ज़ाम काफ़ी पोस्टपोन्ड हो रहे थे, तो काफ़ी बच्चे मेंटली तरह से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए थे। तो अभी देखेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और किस हिसाब से हमको इस चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत सारी निगेटिव चीज़ें हम सुनते हैं जिससे सुनने के अंदर कहीं ना कहीं डर लगता है, अंदर थोड़ा सा भय होता है और हम थोड़ा सा अपने जो टारगेट है, जो हमारा मेन जो प्रोजेक्ट है, उससे थोड़ा सा स्लिप डाउन हो जाते हैं और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। ये लाइफ ही ऐसी चलती रहती है फ्रेंड्स। तो फिलहाल जो कंडीशन है, जून आने वाला है, मई चल रहा है और हमारा नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। एग्ज़ाम की डेट हमारी आ गई है 1 अगस्त की। 12th वाले जो बच्चे हैं, अभी एग्ज़ाम का कोई क्लियर नहीं हो पाया है कि एग्ज़ाम होगा कि पोस्टपोन्ड होगा। चांसेस मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो जाए और आपको लास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे आगे प्रमोट कर दिया जाए, ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ है। तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो जो कंडीशन है, जो सब जो चीज़ें हो रही है, जिसके पीछे का जो मेन जो रीज़न है वो है पैंडेमिक, जो है कोविड की कंडीशन हमारे देश के अंदर। तो वो चीज़ें अभी जो रीसेंट जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी बेटर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एक्चुअली, अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो पूरे देश में अलग अलग स्टेट से जो स्टैट्स निकल के आ रहे हैं कोविड के, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गोवा हो, ज़्यादातर जो स्टैट्स निकल के आ रहे हैं वो ये है कि जो रिकवरी वाले जो केसेस हैं उनका जो रेशियो है वो काफ़ी डबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो नए केसेस आ रहे हैं उनका जो रेशियो है वो काफ़ी लो है। तो जैसे हम साइंस से पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ आती है अपने टॉप तक जाती है, एक पिनेकल पॉइंट तक जाती है, फिर वहाँ तक जाने के बाद वो मेच्योर होकर सेचुरेट होकर नीचे आना शुरू कर देती है। तो ऐसे जो सेकेंड फेज़ आया था कोविड का, ये शायद अपने हाई को टच कर चुका है और अभी जिस हिसाब से जो स्टैट्स नए आते जा रहे हैं, चीज़ें धीमे धीमे अब कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही हैं। कल ही 17 मई को एक नोटिस आया, जो आपके जो पीजी वाले जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उसमें जो FMGE का एग्ज़ाम जो होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस, जो इंडिया के बाहर से बच्चे जो MBBS करके आ रहे हैं, उनका 18 जून को मोस्ट पब्लिक एग्ज़ाम होगा। इस तरह से NTNA नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने एक नोटिस निकाला। तो काफ़ी अच्छी चांसेस हैं कि जून से चीज़ें फिर से ओपन होंगी और जून के मिड या लास्ट तक आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन चीज़ों को देख के ऑब्जर्व किया जाता है। जब अगला बंदा नहीं बोल रहा है तो खुद ही हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं आगे चलने के लिए। तो जून के में एप्लीकेशन फॉर्म आने की काफ़ी अच्छी चांसेस दिखाई दे रहे हैं और जो अगस्त का आपके जो 1 अगस्त की डेट है, काफ़ी हेल्दी चांसेस हैं कि एग्ज़ाम हमारा अगस्त में हो जाएगा। इफ़ नॉट 1 अगस्त तो 2-4-5 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन डिले हो सकता है। लास्ट ईयर सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अगस्त में इस बार काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो ज़्यादा नहीं, हम देख सकते हैं 2 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ही का हमारे पास टाइम है, तो यही लास्ट टाइम है। लास्ट ईयर भी बच्चे थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, तो यहाँ पे अपने आप को दोनों साइड देखना रहता है। एग्जैक्ट फिगर आपके पास तभी आएगा जब आप राइट और लेफ्ट दोनों साइड देखोगे, वन साइडेड देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जो निगेटिव पार्ट है लाइफ का वो भी देखिए, जो पॉजिटिव पार्ट है लाइफ का वो भी देखिए, तब आप अच्छा एक डिसीजन ले पाओगे। केवल निगेटिव देख के आप डर जाओगे, तो हमको हमेशा दोनों साइड देखने के बाद फिर बीच में आना कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये एक सही तरीका होता है हमारा किसी भी कंक्लूजन पे आने का। तो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है, आप अपनी टारगेट तक बढ़ते रहिए, फोकस तक बढ़ते रहिए। आपके सामने जो मेन क्वेश्चंस हैं वो ये नहीं है कि आगे क्या होगा, मेन क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऊपर, उसके ऊपर अपना फोकस बनाते रहिए। आप खुश रहिए,
आप हेल्दी रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए। काफ़ी अच्छा चांसेस है कि जून में आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और फिर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है बेसिकली 1 मंथ का होता है कि 1 मंथ बच्चे अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद कुछ एडिटिंग के लिए फिर से विंडोज़ ओपन होते हैं कि अगर किसी बच्चे ने कोई डिटेल गलत डाल दी है तो वो एडिट कर सकता है। फिर एडिटिंग होने के बाद फिर एडमिट कार्ड की डेट आ जाती है, फिर हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद फाइनली फिर हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। फिर उसके 20-25 दिन बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है, स्कोर कार्ड हम डाउनलोड कर देते हैं। स्कोर कार्ड डाउनलोड होने के बाद फिर हमारी एक्टिविटी काउंसलिंग की स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारे रैंक के बेसिस पे, हमारे स्कोर के बेसिस पे हमारी काउंसलिंग होगी। अलग अलग स्टेट अपनी काउंसलिंग कराएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी काउंसलिंग कराएगी और हमारी रैंक के बेसिस पे हम अपने उस टाइप के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। सो आगे बढ़ते रहिए, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और जो अभी प्रेजेंट की कंडीशन है, अभी हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी पहले से अच्छा सुधार आ चुका है, तो अच्छी अच्छी न्यूज़ अब आना शुरू हो जाएंगी। और सही टाइम पे जब नोटिफिकेशन आना होगा एनटीए के, तो एनटीए की वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और आप आगे के लिए बढ़िए। तो फिलहाल हमको वही चीज़ करना है, इंजॉय करना है और अपनी पढ़ाई करनी है फ्रेंड्स। सो ये था अपडेट NEET UG का कि आगे क्या होने की संभावना है। दोस्तों थैंक यू सो मच।